टॉक्स। सो काफ़ी सारे हमारे ऑडियंस को हमारे ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं, सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक वन। जो पसंद आता है वही करना चाहिए। सो अभी जस्ट मैंने शावर लिया है एंड आई एम विदाउट मेकअप। सो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहती हूँ हेयर केयर के, एंड ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, बहुत सालों से यूज़ करती आई हूँ, जो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके हेयर ग्रोथ के लिए, कैसे आप अपना हेयर फॉल रिड्यूस कर सकते हैं एंड हेयर स्मूथ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो गाइज, वेरी क्विकली बात करते हैं कुछ हेयर केयर टिप्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयल मसाज। ऑयल मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है ऑयल मसाज मतलब आप बहुत ही ज़्यादा रफ रहे, डोंट बी हार्श ऑन योर यू नो हेयर्स, योर हेड एंड स्काल्प। बहुत ही जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली अपने हेयर्स में, बट मेक श्योर कि आप प्रॉपर पूरा ऑयलिंग करें और बहुत अच्छे से स्काल्प अब्जॉर्ब करें वो सारे हेयर ऑयल को। एंड सो रिसेंटली जो मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है वाओ का ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज मेरे काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 70-80% मेरे हेयर फॉल इसमें से रिड्यूस हो चुके हैं इसके वजह से। सो बहुत ही अच्छा वाटर है। नेक्स्ट स्टेप आता है शैम्पू। अक्सर मैंने देखा है लोग एवरी डे या तो एवरी टू डे शैम्पू करते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। आपके हेयर ब्रेक होते हैं, वीक होते हैं, सो एवरी डे नहीं करना चाहिए, एवरी टू डे भी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक करना चाहिए। एंड रिसेंटली जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ सनसिल्क का को क्रिएशन ल्यूशियस थिक एंड लॉन्ग शैम्पू, ये पिंक कलर की बॉटल वाला, और ये रिसेंटली मैंने डिस्कवर करा है और इसका रिजल्ट एक्सेलेंट है। बहुत ही सॉफ्ट कर देता है हेयर को, और क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है, सो इसके वजह से बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो पाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कंडीशनर। कंडीशनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके बालों को ये कंडीशन करता है, सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, और काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड के कंडीशनर्स आए हुए हैं मार्केट में। तो रिसेंटली जो मैं कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ बाय कोको सोल कंडीशनर हेयर एंड स्कार्प। इसका मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था, अगर आपने देखा नहीं हो तो गो एंड चेक इट आउट। ये मुझे ब्रांड से मिला था और फ्रेग्रेंस तो सुपर, बहुत ही अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि 100% ऑर्गेनिक है, कोई इसमें केमिकल मिला हुआ नहीं है। लगाते हो तो एक या दो मिनट में सिर्फ वॉश आउट नहीं कर दिया करो, मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट 5-10 मिनट्स रखो। लास्टली बालों को हाफ वे ड्राई होने के बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ, हेयर सीरम बाय स्ट्रीक्स, और ये बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है, और आई डोंट नो कितने सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ माई फेवरेट हेयर सीरम बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी कर देता है हेयर को। तो वन मोर प्रो टिप गाइस, लोग जस्ट नहा के आते हैं, शावर लेके आते हैं, वो लोग ब्लो ड्राई यूज़ करते हैं या हीट यूज़ करते हैं कर्ल करने के लिए, स्ट्रेटन करने के लिए, व्हाटएवर, तो मेक श्योर कि आप वो सब चीज़ें बहुत कम यूज़ करें। मैं अपने हेयर को बहुत ही हेल्दी रखती हूँ, आप उसको एयर ड्राई होने दें, अपने नेचुरली हवा से इसे सूखने दें। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट टिप, आई प्रॉमिस दिस इज़ द लास्ट टिप बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कॉम्ब योर हेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को सोने के टाइम पे कॉम्ब करती हूँ, सुबह उठते के साथ मैं पहले कॉम्ब करती हूँ, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती हूँ, हेयर कॉम्ब करती हूँ। एंड काफ़ी टाइम मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि उठते के साथ वॉशरूम जाता है, कुछ खाता पीता है, न्यू स्टार्ट कॉम्बिंग योर हेयर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टैंगल को ठीक करना, एंटैंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जट्टे आ जाते हैं हमारे वर्ड्स में, जट्टे बोलते हैं, आई डोंट नो आपके में क्या बोलते हैं, वॉट एवर, जस्ट फिगर इट आउट। सो जट्टे जब आ जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है, उससे बाल टूटते हैं, वो बहुत ही वीक कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अक्सर यू नो टाइम टू टाइम अपने हेयर को कॉम्ब करते रहे। फटाफट से अभी मैं आपको मिलती हूँ रेडी होके, कुछ रील्स बनाएंगे आज एंड कुछ एक आध वीडियो यूट्यूब के लिए शूट करने वाली हूँ मैं। सो फटाफट रेडी हो जाते हैं एंड सी यू लेटर। जस्ट फिनिश शूटिंग, लुक एट द मेस, बहुत जोर से भूख लगी है, सो चलते हैं खाना खाने, देखते लंच में क्या है। सो गाइस, लंच में है दो चपाती, बैंगन का भरता और सामने है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो आई लव वॉचिंग दिस वाइल ईटिंग। सो चलते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। दिस इज़ स्ट्रगल गाइस, बहुत ज़्यादा फैला गया मैंने, अभी बहुत टाइम लग जाएगा समेटते समेटते। चलो करना तो पड़ेगा, यू एंजॉय द टाइम लैप। फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा सामान रखने का, समेटने का, और सब कुछ अंदर जा चुका है और मैं थक गई हूँ, कमर दर्द हो रही है।
बट अभी बज गए हैं 5:30, सो टाइम होता है डिनर बनाने का। देखते हैं आज क्या बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा खाने का, सो कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं नीचे। सो गाइस, कमेंट इफ यू एग्री कि खाना बनाने से ज़्यादा खाना क्या बनेगा, वो सोचने में बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इनको भी नीचे लेके चलते हैं। कम My best time is playing with them. Hi Goldie. Hi baby. How are you? Hi Snow. Snowy. Hi. Hi मैंने पूछू। Hi. क्या देख रहा है? किधर देख रहा है? किधर देख रहा है? बहुत ही टेस्टी बने थे। रिव्यू लूँगी मैं मेरे हस्बैंड से, वो आपको बताएंगे कैसे बना था। एंड अभी हम जाएंगे वॉक करने एंड खाएंगे मेरी फेवरेट आइसक्रीम। सो अभी मैं इनके साथ खेल रही हूँ। गोल्डी, स्नोई। तो ये लोग अभी खा रहे हैं, खेल रहे हैं, देर हैविंग फन। सो हम भी चलते हैं वॉक करने। तो हमारा वॉक शॉक हो गया है और यहाँ बिल्ली म्याऊं 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 कर रही है। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अरे छेड़ो मत उसको। मम्मी मम्मी गायब हो गई होगी शायद, इसलिए वो इतना ढूंढ रही है। और हमारे यहाँ बिल्ली दूसरी बैठी है जो रोज़ वॉक करने के बहाने यहाँ पे आके आइसक्रीम खाती है, जिसे आप देख सकते हो। सो आपने बताया नहीं आपको मोमोज कैसे लगे। मोमोज वॉज गुड, जो फ्राइड वाले थे वो अच्छे थे, वो स्टीम वाले में इतना मज़ा नहीं था बनाने में। सो वो ऐसे ही होते हैं, कोई बाहर का तो उनका अलग होता है। घर पे जो भी अवेलेबल सोर्सेस से मिले वो हमने बनाया। सो गाइस, ये आइसक्रीम नहीं खाते, बुरा लगता है मुझे कि अकेले मुझे खाना पड़ता है। वे आई एम ऑन डाइट, अगर मैं ये खाता हूँ तो फ्राई रोटी के इक्वल है ये आइसक्रीम, तो इसलिए मैं नहीं खाता। तो मैं डार्क चॉकलेट खाता हूँ जो मैं खा रहा हूँ, पर आज स्नीकर्स मिला है। ये स्नीकर्स है। हाँ, पर आज स्नीकर्स मिला है, वैसे मैं ये स्नीकर्स हैं, ये कोई डार्क चॉकलेट नहीं है, झूठ बोल रहा है। अरे आज की बात कर रहा हूँ। सो अकेले मुझे आइसक्रीम खाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, खा लेंगे अकेले, क्या कर सकते हैं। खुशी हो, कोई कंपनी नहीं देता हमें। और गाइस, आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये अपनी आइसक्रीम तो ठूस ही दी है, पर वहाँ बेचारे बच्चे हैं ना, कोई अच्छी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मैडम की नज़र वहाँ है कि ये ब्लू आइसक्रीम कौन सी होती है। मैं रोज़ मैंगो डोली खा रही हूँ, ये ब्लू आइसक्रीम कौन सी। तो ये बुखड़ को ना हर चीज़ पे नज़र रहती है कि कौन क्या अच्छा खा रहा है। इसे संभाल के रहिएगा भैया, है ना बुखड़। खाना तो ज़िंदगी है, खाने के लिए जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। क्या एक ही बात होती है, कमाते किस लिए, खाने के लिए। अच्छा अच्छा खाओ, मस्त रहो, कोरोना चल रहा है, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ। तो ठीक है, बट जियो जियो अपनी लाइफ, और ये गिर रहा है। बाय बाय गाइस, सो आज का व्लॉग हम यही खत्म कर रहे हैं। सी यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू, स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय। Next video. Panda ko mujhse panda. Love you. Panda. 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 Panda.